जो अंदर से जो है वो शोर की आवाजें आना शुरू हुई हैं। वहां पे जाके जब देखा गया तो वो हमारी ही बच्ची जो है वो नीचे जमीन पे गिरी पड़ी थी और खून जो है खून में बह रहा। जब आपने बताया वहां फायरिंग हुई और भी लोग थे जिनको गोलियां लगी? जी को बेसिकली दो गोलियां लगी हैं और एक गोली जो है वो मेरी वालदा को छू के गुजरी है। दो सुराख हैं उनके दुपट्टे में, उन्हें खुद नहीं पता चला कि वो गोली कहां से आई है। वो कौन लोग थे, वो शनाख्त हुए, कोई रिश्तेदार थे या दूल्हा के दोस्त थे? दूल्हा का भाई है आपने जैसा कि बताया, वो जानबूझकर नहीं बता रहे? सर बेसिकली जो दूल्हा का भाई है वो भी फरार है। बेटी की उम्र सिर्फ अभी 16 साल थी, मैट्रिक के एग्जाम दिए हुए थे और रिजल्ट ये अभी आने वाला है। डॉक्टर बनने का ड्रीम था, अब बेचारी हमारी बेटी जो है वो कब्रिस्तान में अपने खालिक हकीकी से जो है वो जाके मिल चुकी है। और मुलजिम को भगाने में मैं समझता हूँ उनका मेन रोल है। अगर वो चाहते तो मुलजिम वहाँ से भाग नहीं सकते थे। दूल्हा भी भागा हुआ है, दूल्हे ये बेसिकली चार भाई हैं, चारों भाई भागे हुए हैं। हमारी बेटी जो है वो डेथ हो चुकी है, वो वापस नहीं आ सकती है। आला हुकाम से अपील ये है कि वो हमें सपोर्ट करें, हमारे जो बेटी के कातिल हैं उनको पकड़ने में हमारी सपोर्ट करें, उसके सजा दिलवाने में हमारी सपोर्ट करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपका होस्ट राणा दिलशाद। तायाजात भाई के शादी पर जाती है, खुशियों का समा था, हर तरफ खुशियाँ थी, ढोल थे, बाजे थे, शहनाइयां थी, बड़ी धूमधाम से मेहंदी की तकरीब हो रही थी। दूल्हा आया, दूल्हे के दोस्तों ने साथ फायरिंग की। फायरिंग के दौरान एक जवान लड़की जो है वो इसका शिकार हो गई। मेहंदी की तकरीब में बहुत सारे लोग जो है वो उससे जख्मी हो जाते हैं। आयशा जो है उसके सीने पर गोली लगी और वो जख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया फानी से चली गई। हम बात करते हैं उसी मकतूला के चचा से कि बकुआ क्या हुआ, जानबूझकर मारा गया, इत्तफाक लगा। वालेकुम अस्सलाम सर। बेसिकली मेहंदी की तकरीब थी, वहाँ पे गए हैं तो मेहंदी की जो भी खाना शाना खाने के बाद जो तकरीब शुरू हुई है उस 10 मिनट तकरीबन 8-10 मिनट पहले फायरिंग हुई है, वो ख़त्म हुई है। कुछ थोड़े इंटरवल के बाद दोबारा से जो है वो फायरिंग शुरू हुई है, अभी स्टार्ट ही हुई है तो अंदर से जो है वो शोर की आवाज़ें आना शुरू हुई हैं। तो हमने जो है वो चूँकि नज़र आ रहे थे जो फायरिंग कर रहे थे, दूर था थोड़ा, लेकिन जो पिस्टल की डायरेक्शन है उसको जाँचते हुए जो है ना वो हमने झुक के जो है ना वो खुद को सेव करने की कोशिश की है। और चूंकि टेंटों से जैसे ही हमने ये हुआ है टेंटों से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। वहाँ पे जाके जब देखा गया तो वो हमारी ही बच्ची जो है वो नीचे ज़मीन पे गिरी पड़ी थी और खून जो है खून में बह रहा था। और हमने अपनी मदद आपके तहत जो है वो गुरकी हॉस्पिटल में बच्ची को शिफ्ट किया तो विद इन 15-20 मिनट जो है ना बच्ची की जो माइनर इम्पल्स रह गई थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। जब आपने बताया वहाँ फायरिंग हुई और भी लोग थे जिनको गोलियां लगी? और एक गोली बच्ची को बेसिकली दो गोलियां लगी हैं, एक सीने पे गोली लगी है जो कॉज ऑफ डेथ बनी है और वो क्रॉस कर गई है, बच्ची को जो है ना वो किसी अंदर नहीं रही है। दूसरी गोली बच्ची की जो है वो टांग पे लगी है घुटने के करीब और एक गोली जो है वो मेरी वालदा को छू के गुजरी है। जी मेरी वालदा के बाजू को, जी अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, उनके बाजू को जो है वो छू के गुजरी है, बर्निंग का निशान अभी भी वहाँ पे मौजूद है। दो सुराख हैं उनके दुपट्टे में, उन्हें खुद नहीं पता चला कि वो गोली कहाँ से आई है और कहाँ से गई है। तीसरी दूसरी रिपोर्ट ये भी है कि उनके कोई रिलेटिव्स की हैं, कोई औरत है, उसको भी जो है ना वो गोली ने जो है वो जख्मी किया है। यानी कि दो अफराद जख्मी हैं और एक कत्ल हुआ वहाँ पर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो कौन लोग थे, वो शनाख्त हुए, कोई रिश्तेदार थे या दूल्हा के दोस्त थे? सर बेसिकली जो दूल्हा का बड़ा भाई है, उस दूल्हे के बड़े भाई ने जो है ना वो अपने दोस्तों को इनवाइट किया हुआ था। चूंकि वो दूल्हे का जो बड़ा भाई है वो जानता है कौन है, तो इस वजह से जो है ना अभी तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी तक जो है वो मुलजिम नामजद नहीं हुए। हो सकता है कि कोई पेशरफ्त शाम तक जो है ना वो पॉजिटिव में आ जाए और वो नाम सामने आ जाए कि वो बंदे कौन है जिन्होंने एक्चुअल वहाँ पे फायरिंग की है और जिसकी जद में आके हमारी बेटी जो है ना वो कत्ल हुई है। अभी तक कुछ लोग गिरफ्तार भी हैं इसमें? सर बेसिकली जो दूल्हे के वालिद और वालदा हैं अभी तक वही गिरफ्तार हैं। पुलिस का जो है वो कोऑपरेशन काफी अच्छा है, पॉजिटिव रिस्पांस है, पुलिस अपनी जो है ना वो हमारे साथ भरपूर तावन कर रही है और छापे भी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे मारे जा रहे हैं। अभी तक शनाख्त हुई नहीं या जो दूल्हा का भाई है आपने जैसा कि बताया वो जानबूझकर नहीं बता रहे? सर बेसिकली जो दूल्हा
का भाई है वो भी फरार है, और अगर पुलिस फॉर एग्जांपल छापे मार रही है तो जो दूल्हा का वालिद है उसके बिहाफ पे जो है ना वो छापे मार रही है, क्योंकि आगे सारे जो है वो मफरूर हो चुके हैं, भाग चुके हैं। तो यही वजह है मैं समझता हूँ कि अभी तक जो है ना वो कामयाबी नहीं मिल पा रही है। सर, बेटी की उम्र सिर्फ अभी 16 साल थी, मैट्रिक के एग्जाम दिए हुए थे और रिजल्ट ये अभी आने वाला है। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उसका डॉक्टर बनने का ड्रीम था कि मैंने जो है ना वो डॉक्टर बनना है। तो मैं समझता हूँ कि ये जस्ट अब ड्रीम ही रह गया उसके लिए। अब बेचारी हमारी बेटी जो है वो कब्रिस्तान में अपने खालिक हकीकी से जो है वो जाके मिल चुकी है। और जो भगड़ थी वहाँ पर, भगड़ के दौरान किसी ने उस बंदे को पकड़ने की कोशिश की जिन्होंने फायरिंग की? सर, मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता तो जो हमारे तायाजात भाई हैं जो अभी गिरफ्त में हैं पुलिस की, वो हमारे साथ खड़े होते। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर उन्होंने हमें वहीं पे सपोर्ट किया होता तो वो मुलजिम अभी तक सलाखों के पीछे होते। तो मैं समझता हूँ यही वजह है कि वो अभी तक मुलजिम की बजाय खुद सलाखों के पीछे हैं, क्योंकि वो प्रॉपर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और मुलजिम को भगाने में मैं समझता हूँ उनका मेन रोल है। अगर वो चाहते तो मुलजिम वहाँ से भाग नहीं सकते थे, क्योंकि हमारी तो बिल्कुल अटेंशन ही चेंज हो गई ना। हमने तो अपनी बच्ची को लेके जो है ना वहाँ से अपने हॉस्पिटल शिफ्ट करने की कोशिश की है कि किसी तरह जो है ना वो बच्ची को बचाया जा सके। पीछे जो है वो दूल्हा और या दूल्हे के पेरेंट्स या जिन्होंने इन्वाइट किया हुआ था उन्होंने उसे प्रॉपर वहाँ से भागने में सपोर्ट किया है। उनकी जो शादी है वो पोस्टपोन हो गई है या शादी की तकरीब मुकम्मल हो गई है? सर, शादी सारे जो है वो भागे हुए हैं, दूल्हा भी भागा हुआ है, दूल्हे ये बेसिकली चार भाई हैं, चारों भाई भागे हुए हैं और सारे जो है वो भागे हुए हैं। तो शादी डेफिनेट पोस्टपोन हो चुकी है और वालदैन जो है वो पुलिस की हिरासत में। शादी पोस्टपोन हो चुकी है, जाहिर बात है जब हुकूमत ने भी एक चीज का ऐलान कर रखा है और एक चीज नुकसानदेह है, ये दूल्हा दूल्हा को भी चाहिए, दूल्हा के वालदैन को भी चाहिए। अपनी शादी की तकारीब में इस तरह के लोगों को मत बुलाएं, अगर कोई आए तो उसको ऐसा काम ना करने दे, एक इंसानी जान चली गई, दो औरतें इसमें जख्मी हैं। अहमद भाई, अब जो है आपके जाहरी बात है अपने ताया से तायाजाद भाइयों से हालात तो बहुत ज्यादा कशीदा हो गए होंगे इस बात पर। सर, मैं समझता हूँ कि जो अभी अकरम उर्फ बोला है वही जो है ना वो हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा। बाकी के जो दो भाई हैं वो हमें आके मिल रहे हैं, वो हमें चूंकि वो खुद नहीं जान रहे हैं, वो खुद कोशिश कर रहे हैं एक्चुअल जो मुलजिम है उस तक पहुंचा जा सके, क्योंकि वो उनका इनवाइटेड था स्पेशली जो अकरम उर्फ बोला है, इसलिए जैसे हम नहीं जान पा रहे हैं इसी तरह वो भी जो है वहीं के इनवाइटेड थे, उन्हें भी कोई खास पता नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ हमारी सपोर्ट में है। अहमद साहब, खानदान का कोई प्रेशर भी होगा कि आपने आपकी बच्ची तो गई छोड़े, शादी की तकरीब है, जाने दें, खुशियों वाला घर है? सर, मैं समझता हूँ कि जब ये काम हुआ तो सडन चूंके बंदे को अभी होश नहीं रहती है, उस आलम में जो है ना कुछ प्रेशर आया था जो कि हमने डिफ्यूज कर दिया। हम चाहते हैं कि हम जो कातिल है उसको पकड़ें और सजा दिलवाएं ताकि वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने। कोई भी दूसरा बंदा ऐसी कुछ हरकत करने से पहले वो सोचे कि भाई अगर अल्लाह ना करे कोई इस तरह की एक्टिविटी की और ये काम हो गया तो मेरा अंजाम क्या होगा। हुक्मरानों से लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो इस पर पहले से बैन है और आए रोज शादी हालों पर छापे भी होते हैं। बहुत सारी आपने अखबारात में, टीवी चैनल्स में ये खबरें भी सुनी है कि दूल्हा और दूल्हे के भाई को गिरफ्तार कर लिया, दूल्हे के बाप को गिरफ्तार कर लिया, बारात सारी तैयार बैठी है, कोई आया आतिशबाजी की, फायरिंग की और वो गिरफ्तार हो गए। क्या मुतालबा करते हैं आला हुकाम से और लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? देखें जी, मेरा आला हुकाम से और लोगों से यही जो है वो है कि हमारी बेटी जो है वो डेथ हो चुकी है, वो वापस नहीं आ सकती है। ये ज़ख़म हमारी जो है वो पूरी ज़िंदगी हम जो है ना इसको भूल नहीं पाएंगे, ये ज़ख़म जो है वो भर नहीं पाएगा। तो मकतूला को आला हुकाम से अपील ये है कि वो हमें सपोर्ट करें, हमारे जो बेटी के कातिल हैं उनको पकड़ने में हमारी सपोर्ट करें, उसके सजा दिलवाने में हमारी सपोर्ट करें, इसको एग्जाम्पल बनाने में हमारी सपोर्ट करें, ताकि इस तरह की जैसे हमारी बेटी की डेथ हुई है कल को अल्लाह ना करे किसी और के साथ ये वाक़या पेश ना आ सके। और लोगों से मेरी ये अपील है कि बराए मेहरबानी ऐसे लोगों को अपनी शादी पे इनवाइट ना करें। एक खुशी का माहौल होता है, एक गैदरिंग जो है वो होती है, कोई सालों बाद जो है वो दूर के रिश्तेदार करीब के रिश्तेदार सारे मिल बैठ के खुशी को इंजॉय करें, ना कि ऐसे लोगों को बुला के अपनी खुशी को जो है ना वो सोग में तब्दील करें। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। ये हंसता मुस्कराता खुशियों वाला जो घर है उसको मातम कदा बना दिया सिर्फ एक लड़के की गलती की वजह से। एक इंसानी जान चली गई, दो लोग जख्मी हो गए। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब की जानिब से तो ये बहुत सारे कानून है, इसकी खिलाफवर्जी करने वाले को सजाएं भी देते हैं,
लेकिन गवर्नमेंट तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक अपनी इसलाह हम खुद नहीं करेंगे। हमारे घर कौन आया है ये किसी अदारे को नहीं पता, किसी गवर्नमेंट को नहीं पता। जब फायरिंग हो जाती है, कोई मर जाता है, तब अरबाबे इख्तियार पुलिस तो हरकत में आती है, लेकिन उससे पहले ये हमारी जिम्मेदारी है। ये मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि ऐसे मौकों पर इस तरह के काम मत करें जिससे इंसानी जानों का खतरा हो। वो दुल्हन वाले जो बेचारे दूल्हे की राह तकते रह गए, दूल्हा और उसके भाई जो हैं वो फरार हैं, माँ और बाप थाने में इस वक्त अपने बेटों की राह देख रहे हैं, खुशियां सब मातम में बदल गई। खुदारा इन चीजों पर गौर करें। ये किसी हुकूमत ने नहीं करना, ये किसी वजीर आला सदर ने नहीं करना, ये हम लोगों ने करना है। ये हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है जिसको हम निभाने में अक्सर कोताही कर जाते हैं कि यार बच्चे हैं, शौक पूरा करने दें, कर लेने दें, आज शादी है, लेकिन इस तरह फिर कत्ल होते रहेंगे, जाने जाती रहेंगी। कमेंट बॉक्स में इस पर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक सोशल मसला है, सोशल इशू है, इस पर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।